हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम लोग एरिया अंडर द कर्व डिस्कस कर रहे हैं और ये फोर्थ लेक्चर है। आई होप आपने पहले 3 लेक्चर जरूर देख लिए होंगे। और फोर्थ लेक्चर में क्या है कि हम कुछ डिफरेंट टाइप के एरिया सर्कल से रिलेटेड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो बिना समय वेस्ट किए आइए करते हैं क्वेश्चंस। एंड व्हाट आर दोज क्वेश्चंस एंड व्हाट टू डू। First of all, we are going to take on a question that is find the smaller area between circle x square plus y square is equal to 9 and a line x is equal to 2। ये question, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सो हमारा जो है वो पहला एरिया है सर्कल का जो हमें निकालनी है। सो आइए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि क्या एरिया हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए सर्कल एंड देयर आफ्टर वी विल कैलकुलेट द एरिया। सो सर्कल का एरिया क्या कैसे ड्रॉ करना है ये देखिए। ये एक सर्कल लिया हमने और ये सर्कल जिसका एरिया हमें ड्रॉ करना है, ये इसके रेडियस कितनी है? रेडियस है इसकी 3। तो एक शेप हमें फिर इसका लेना होगा, ये है हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको हमने यहाँ कर दिया सेंटर, राइट। एक लाइन है जिससे कि ये एक लाइन है और इस लाइन से ये लाइन है जिसपे x इज इक्वल टू 2 है ये लाइन, और इस लाइन के और उस लाइन के बीच का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये दिया हुआ है, ये है y एक्सिस, ये दिया है वो है x एक्सिस। इधर में आप निकाल सकते हैं x डैश और इधर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं y डैश। ये लाइन जो है वो लाइन है x इक्वल टू 2 और ये क्या है यहाँ पे 3, 0। क्यों? क्योंकि सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, y 0 पुट करेंगे तो x क्या होगा? प्लस माइनस 3। इसका मतलब है कि ये 0 3, सो देयर फोर 0 3, 0 माइनस 3, 3 0 एंड 3 माइनस 3 0 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इनको लिख करके और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एरिया जो निकालनी है यानी ये वैल्यू जो होंगी वो होंगी 0, 3, ये होगा 0, -3, ये होगा -3, 0 और ये हो गया 3, 0 जो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, राइट ना, 3, 0। तो आपको इस लाइन और इस सर्कल के बीच का स्मॉलर एरिया निकालना है। मतलब आपको कौन सी एरिया निकालनी है? आपको निकालनी है यहाँ पे ये वाली एरिया निकालनी है, राइट ना, ये एरिया निकालनी है आपको। जो एरिया है तो हमने सेट किया है, इससे थोड़ा सा लाइट ब्लैक है, ब्लैक में कोई कलर चलता नहीं है। तो इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है, यानी यूं कह दूं कि इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो आप समझ जाएंगे कि ये एरिया हमें कैलकुलेट करनी है, यही है स्मॉलर एरिया। सो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? तो 2, 0 है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 3, 0 है। तो सर्कल का एरिया अगर यहाँ से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक कैलकुलेट किया जाए तो ये एरिया मिल जाएगा। सर्कल, ये सर्कल है और सर्कल के नीचे का ये पूरा सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का ये एरिया पूरा मिल जाएगा अगर 2 से 3 तक कैलकुलेट करें तो, ऊपर वाला। और पूरा एरिया निकालना है तो क्या करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई। देयरफॉर एरिया ऑफ इनक्लोज्ड फिगर इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ 0 to 2 to 3 वाई dx, किसका? सर्कल का। तो अब यहाँ सर्कल का y dx क्या होगा ये हम देखते हैं। तो सर्कल का जो y होगा वो कितना होगा?
क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वाई स्क्वायर को लिख सकते हो आप क्या, वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसलिए वैल्यू रख दिया कितना, 223। वाई के बदले क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू रखने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं इंटीग्रेट। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन में, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा, देयर फोर एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्वाइस, और ये इसको लिख सकते हैं हम क्या, 223 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डीएक्स। सो दैट इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये लिख दिया हमने लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 3 तक। अब आप वैल्यू रखेंगे अगेन, सो व्हाट विल यू विल गेट, यहां पे अगर वैल्यू रखेंगे तो अब मिल जाएगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया 2, जब आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो पहला जब 3 रखोगे तो आ जाएगा 0, माइनस 2 रखोगे तो 2 बाई 2 1, और यह 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 इज 5, सो अंडर रूट 5 मिल जाएगा। यहाँ पे 9 बाई 2, 3 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, और माइनस फिर क्या होगा, साइन इनवर्स 2 बाई 3, साइन इनवर्स 2 बाई 3, ये 9 बाई 2 बाहर में है, ये आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एरिया आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 कट जाएगा और आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 5, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 रूट 5 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस डिस्कस व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया एरिया इंक्लोज्ड by circle x square plus y square is less than 1 and x plus y is greater than 1, ये एरिया निकालने इस तरह का कुछ क्वेश्चन हो जाए कि x square plus y square is less than 1, less than equal to 1, ये inequalities ये होता है। कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा होता है कि x y का फंक्शन बना करके और लिखा होता है सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड व्हाट इज दिस एंड ग्रेटर देन x प्लस y, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन लिखा होता है। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हाट इज दैट x square plus y square, इन सब का मतलब एक ही होता है, इसलिए इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। दोनों का मतलब यही है कि x plus y is greater than 1 and x square plus y square is less than 1, या उल्टा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको कैसे भी लिखा हो इसका मतलब यही है, या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x square plus y square is equal to 1, smaller area between x square plus y square is equal to 1, x square plus y square is equal to 1 and line a smaller area, लेकिन लिखा होगा। इससे ये रीजन हमें पता चलता है कि एक्चुअली में कौन सा एरिया हमें निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हम वैसे ही अपना बुद्धि लगाते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या निकल के आता है। ये देखिए, ये एक सर्कल है, बड़ा सा हमने ड्रॉ कर लिया और इसके साथ ये हमने कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ कर लिया,
कार्टेशियन एक्स हटाओ कर लिया, थोड़ा इसको सेंटर में कर दिया था। ये ले लिया कलर, और ये हो गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया पहले ये, और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और सर्कल में हमें क्या करना है, ये सर्कल और एक लाइन चाहिए जो कि इसको इंटरसेक्ट करे। कैसे ये इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे कैसे ये बात सब पता चली, हम देखते हैं कि ये सब बात कैसे पता चली। ये है वाई, ये है वाई डैश, ये है एक्स, ये है एक्स डैश, है ना, और ये है ओरिजिन। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसका मतलब है कि सर्कल कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी रेडियस वन। दूसरा जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू वन दिया हुआ है। दूसरा जो चीज है हमारा वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। इसका मतलब x और y के लिए अगर टेबल रखे तो x 0 y 1, y 0 x 1, यानी ये सारे के सारे उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये 0 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल भी 0 1 यहाँ से मिल रहा है, और 0 1 पे ये लाइन भी इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 0 पे सर्कल भी इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ये है माइनस वन जीरो, ये है जीरो माइनस वन, ठीक है। तो ये चार पॉइंट हुआ। अब इसके बीच का स्मॉलर एरिया, जैसा कि दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन वन। इसमें जीरो जीरो रख के देखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सर्कल के अंदर, और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन वन, इसमें जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लाइन के बाहर, सर्कल के अंदर लाइन के बाहर, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना था, ये वाला एरिया जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करूं, अगर जीरो से वन तक सर्कल का एरिया निकालते हैं तो ये पूरा चीज निकल के आएगा, है ना, और जीरो से वन तक अगर सर्कल का निकालते हैं तो सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकल के आएगा। उसी तरह से जीरो से वन तक लाइन का अगर ड्रॉ करें तो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें से सर्कल में से लाइन का माइनस कर लेंगे तो बीच वाला एरिया हमारे को मिल जाएगा, है ना, तो बीच वाला एरिया मिल जाएगा। और इस बीच वाले एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अब हम काम करते हैं, ये देखिए लिख सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल इज व्हाट। सो एरिया इनक्लोज इज इक्वल टू, एरिया इनक्लोज इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, दैट इज सेड इट इज 0 टू 1 y dx माइनस 0 टू 1 y dx, इसको अलोंग सर्कल एंड दिस इज अलोंग लाइन। तो आप दोनों के फॉर्मूला में से निकाल सकते हैं, ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि x प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y को लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि यहां से सर्कल के लिए लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, दिस एरिया कैन बी रिटन एज एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू 1 सर्कल में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, और लाइन में y x प्लस y इज इक्वल टू 1 था, तो y के बदले क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x, सो 1 माइनस x dx। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट
एक्स बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से वन तक। और लाइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू कहां से कहां तक, जीरो से वन तक। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आएगा आपका, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा कितना, ध्यान से देखिए ये आ जाएगा वन रखेंगे तो ये वन का स्क्वायर, वन माइनस वन का स्क्वायर यानी जीरो, और जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट हर हालत में जीरो होगा। सेकेंड पार्ट में साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स जीरो ये आएगा, ठीक है। अच्छा माइनस यहाँ पे वन माइनस वन बाई टू पहले रखेंगे तो, और बाद में रखेंगे तो जीरो, तो जीरो लिखना और टाइम खराब करना दोनों बराबर है, बट फिर ये लिख देता हूँ। सो व्हाट विल हैपन, वन बाई टू साइन इनवर्स वन इज पाई बाई टू, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस वन बाई टू, तो ये हो गया पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऐसे भी हम चेक कर सकते थे इसको, और इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कैसे चेक करें तो, कि ये क्वाड्रेंट का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई फोर, उसमें से एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाल लें वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या मिल जाएगा, हमारा एरिया मिल जाएगा यहाँ पे ये एरिया मिल जाएगा पूरा, ये एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई फोर एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई फोर माइनस वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट यानी वन इंटू वन, आर क्या है वन, तो इसलिए हो गया पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू आंसर। तो ये चेक कर सकते हैं इस तरीके से हम, और आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक ट्रिक याद रखना चाहिए, वो क्या है कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो एरिया बिटवीन, यू मस्ट राइट हियर एरिया बिटवीन, हम अगर ये लिखे कि एरिया बिटवीन, तो क्या लिखेंगे, एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एज, व्हाट विल हैपन, एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। नाउ सो लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखें तो ये दोनों ही सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और दूसरा वाला सर्कल है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर, दोनों तरफ वन प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा। यानी एक सर्कल इसका सेंटर है जीरो जीरो पे, सेंटर है इसका जीरो जीरो, और इसका रेडियस है वन, रेडियस कितना है इसका वन, इसका सेंटर है किस पे, वन कॉमा जीरो पे, और रेडियस क्या है इसका भी, रेडियस वन है, यानी दोनों एक बराबर सर्कल है। इसमें जीरो जीरो रखने से ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो कैसा होगा ये सर्कल, जरा ध्यान से देखें, तो ये अगर हम ड्रॉ करें इसको तो ये एक सर्कल होगा ऐसा, ठीक है, एक दूसरा सर्कल होगा ऐसा, दोनों एक बराबर है, राइट, थोड़ा सा या एक मिनट, ये सर्कल कुछ ऐसा होगा, ये सर्कल है वो, ये वाई डैश वाई और ये वाई डैश, इधर में ये क्या हो गया एक्स डैश, और इधर क्या हो गया ये एक्स, ये सर्कल जो है दूसरा वाला सर्कल जो है, ये सर्कल है हमारा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसका ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसका सेंटर कहाँ है, वन कॉमा जीरो पर है। ये सर्कल जो है इसका सेंटर, ये जो सर्कल है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन,
यानी इसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका रेडियस वन है। तो ये जहां पे इसका रेडियस ये वन से पास कर रहा है, ये वन पे इसका सेंटर है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इन दोनों के बीच का एरिया आपको निकालना है। तो दोनों के बीच का एरिया कैसे निकालोगे? तो अगर मैं इस सर्कल का, ये दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? दोनों को सॉल्व करके। तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं दूसरे इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे वन रख दूं तो वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर वो होगा कितना? हाफ। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हाफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां से यहां तक ये क्या है? वन। वाई की वैल्यू कुछ होगी से अल्फा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाई की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो अगर इस सी टू सर्कल का, और ये सर्कल मान लेते हैं सी वन, सी टू सर्कल का जीरो से लेकर के अगर मैं यहां तक निकालूं वन बाई टू तक, तो ये एरिया पूरा निकल के आएगा, आएगा ना, ये पूरा एरिया निकल के आएगा जीरो से वन बाई टू तक निकालो तो इस सर्कल और इस लाइन के बीच का एरिया। इसी तरह से अगर वन बाई टू से लेकर के आगे तक एरिया निकालूं वन तक, तो इस सर्कल का एरिया निकल के आएगा, और दोनों को दो से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया निकल जाएगा। सो व्हाट टू डू, एरिया जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, लिख देंगे एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0 to 1 by 2 y dx along c2 plus 0 1 by 2 to 1 y dx along c1। ठीक है, पहले सर्कल के अलाउंग आएगा। सो व्हाट टू डू, अब यहां पे लिख देते हैं देयर फोर नाउ एरिया इज इक्वल 0 to 1 by 2। इसमें y क्या होगा सर्कल में? इसमें होगा y होगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, और इसमें जो होगा 1/2 से 1 तक, ये c1 सर्कल है, इसमें y हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर dx, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो आप देखिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यही काम किया, ठीक है ना, तो कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, क्या फॉर्मूला होता था? एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1। सो 1 लिखना और टाइम खराब करना दोनों बराबर है, और ये कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से 1/2 तक, प्लस इसमें भी लगेगा ही एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, कहां से कहां तक? तो हाफ से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो हाफ रखोगे तो हाफ माइनस 1 h माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/4। यहाँ पे हाफ रखेंगे तो 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ हाफ होगा, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, यानी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, प्लस हाफ रखोगे यहाँ पे तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो ये हो गया हाफ, और साइन इनवर्स माइनस हाफ का मतलब माइनस पाई बाई 6। माइनस 0 रखना है तो एक्स 0 रखेंगे तो ये हम 1 बच जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो बाद वाला सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें क्या मिलेगा? माइनस हाफ, यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स माइनस 1, माइनस 1 का मतलब माइनस पाई बाई 2, साइन इनवर्स माइनस 1 का मतलब माइनस पाई बाई 2, माइनस दिस वैल्यू हमने पहले रखा है हाफ सब में, माइनस ये साइन, और फिर 0 रखा है, तो 0 रखने से ये तो 0 हो गया, यहाँ पे ये बच गया, प्लस अब यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा पूरा पहला पार्ट, यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2, तो 1 into π/2 मिल गया, माइनस फिर हाफ रखेंगे तो हाफ का मतलब यहाँ हो गया 1/4, ठीक है, और यहाँ हाफ रखेंगे तो 1 माइनस 1/4 यानी √3/2, तो √3/2 यहाँ से मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे हाफ, और साइन इनवर्स हाफ का मतलब π/6,
ये पूरा चीज हो गया, और इस पूरे चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से। टू से क्यों भाई, टू से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें पूरा एरिया निकालना है, तो ये टू से मल्टीप्लाई होके रहेगा। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, अगला जो हो जाएगा ये हो जाएगा टू इंटू -√3/8, -√3/8, -√3/8, -π/12, माइनस माइनस प्लस π/4, +π/4, माइनस कितना हो गया, ये हो गया √3/8 प्लस π/12, ठीक है। सो व्हाट विल कम, विल बी टू इनटू -√3/8, एंड दिस इज π/4 प्लस π/4, π/2 माइनस π/12 -√3/8 माइनस π/12, सो π/12 एंड दिस π/12 इज π/6, सॉरी दिस माइनस π/12 एंड π/12 इज 2π/12, दैट इज π/6। और ये हो गया कितना, तो ये हो गया 2 इंटू π/2 और ये हो गया π/6, π/2 माइनस π/6 इज π/3। ये 2π/12 यानी π/6, π/6 तो π/3 बच जाएगा, और यहाँ माइनस √3/8 माइनस √3/8 इज -√3/8, दैट इज √3/4, और ये हो गया आपका आंसर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और इस तरीके के क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको भी देखेंगे, बट ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर बात करते हैं और दूसरे तरह के क्वेश्चन और लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।